Hello students, today we will discuss reaction of carboxylic acid due to alpha hydrogen. ठीक है, देखो reaction involving this hydrogen, मतलब ये alpha carbon है, alpha hydrogen, एक होता है halogenation reaction, एक होता है ring substitution reaction या aromatic carboxylic acid के लिए. पहले देखते हैं halogenation. halogenation में क्या होगा, halogenation का meaning क्या है भाई, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. ठीक है, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें क्या फॉर्म होगा, हालो कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, मतलब इसका अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, उस पोजीशन में हमारा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा. रिएजेंट क्या यूज होगा, रिएजेंट हमारा X2 एंड रेड फॉस्फोरस. एक्स क्या है तुम्हारा, वो एक्स वाला एक्स नहीं है, हाइड्रोजन वाला एक्स है. ठीक है, एक्स यहाँ पर क्लोरिन हो सकता है और ब्रोमिन हो सकता है. अगर क्लोरिन होगा तो क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हेल भोलर जेलिंस्काई रिएक्शन, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इतना बड़ा नाम कौन याद रखेगा भाई, HBZ रिएक्शन, हेल भोलर जेलिंस्काई रिएक्शन. ठीक है, हेल भोलर जेलिंस्काई रिएक्शन क्या होता है, उसका हमारा जो प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्टेंट होता है जिसको हम सब्सट्रेट बोलते हैं, वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. प्रोडक्ट क्या होता है, हालो कार्बोक्सिलिक एसिड. रिएजेंट क्या यूज होता है, हैलोजन विथ रेड फॉस्फोरस एंड H2O. ठीक है, देखो हु मतलब सबस्ट्रेट कार्बोक्सिलिक एसिड. हाँ, कैसे होता है, रिएजेंट यूज करते हैं, क्या है, रेड फॉस्फोरस X2 एंड H2O. प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, अल्फा हालो कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी हालो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्फा हालो कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो, क्योंकि अल्फा पोजिशन में वो अटैच हो रहा है. ये है हमारा अल्फा कार्बन, X2 रेड फॉस्फोरस H2O जब यूज करेंगे क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड वी गेट हालो कार्बोक्सिलिक एसिड. देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एसिटिक एसिड था, हमने क्लोरीन रेड फॉस्फोरस यूज किया है. ठीक है, H2O दिया, क्या फॉर्म हुआ, क्लोरो एसिटिक एसिड. ठीक है, और इसको अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड. ठीक है, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन है अल्फा कार्बन, इसी पोजिशन मतलब अल्फा पोजीशन में तुम्हें क्या करना है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन ऐड कर देना, बस इतना ही है. ठीक है, ये तो इजी है सर. देखो ब्रोमीन रेड फॉस्फोरस कहाँ अटैच करोगे, यहाँ मैंने बोला रिएक्शन हम करें, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा पोजीशन में जो हाइड्रोजन है उसको हटा दो, जा भाई तेरा कुछ काम नहीं है, उसका प्लेस किया जाएगा सारे कार्बन को, नहीं एक ही कार्बन को हटाना है, क्योंकि एक ही ब्रोमीन हमें ऐड करना है. यहाँ पर ब्रोमीन दिया है तो एक ही ब्रोमीन ऐड करना है, क्या होगा, अल्फा ब्रोमो ब्यूटेरिक एसिड. ठीक है, देखते फाइंड बी इन द गिवन रिएक्शन. ठीक है, क्या दिया गया हमें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्लोरीन रेड फॉस्फोरस, इसका मतलब है ये HBZ रिएक्शन. ठीक है, तो ए क्या फॉर्म होगा, CH3CHClCOOH. हाँ जी सर, ये तो फॉर्म होगा. देन हमें क्या दिया गया, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH दिया गया. यहाँ क्या होगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा. दिस प्रोडक्ट इज अ करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सी. ठीक है, मतलब ये बी क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन टू यील्ड कंपाउंड व्हिच इन व्हिच अल्फा हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हैलोजन. दिस रिएक्शन इज नोन एज HBZ रिएक्शन. ये तो इजी था. नेक्स्ट देखते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. रिंग सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, COOH ग्रुप, ये मेटल इरेक्टिंग है. ठीक है, मेटल इरेक्टिंग है, क्योंकि ये -R एंड -I ग्रुप है, ये मेटल इरेक्टिंग है. COOH ग्रुप हमारा क्या होता है, COOH ग्रुप मेटल रिएक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. COOH ये क्या है, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है एंड मेटल रिएक्टिंग ग्रुप है, बिकॉज ये -R ग्रुप है. ठीक है, और इसको -M भी बोल सकते हो, -M और -R ग्रुप है. ठीक है, ये कैसे होता है, -M ग्रुप क्यों होता है, ये मैंने डिस्कशन किया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में. ठीक है, जब डिस्कशन कर रहा था प्लस एम ग्रुप क्या होता है, ऑर्थोपारा डिरेक्टिंग एंड बेंजीन एक्टिवेटिंग. बेंजीन एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग क्या है, -M ग्रुप क्या है,
मेटा डिटेक्टिव एंड हमारा डीएक्टिवेटिंग, एक एक्सेप्शन भी है हैलोजन। हैलोजन क्या होता है? ऑर्थो पैरा डिटेक्टिव बट डीएक्टिवेटिंग। देखो एक्टिवेटिंग मतलब बेंजीन से, बेंजीन का जितना रिएक्टिविटी है उसको, अगर उसका रिएक्टिविटी वो इंक्रीज करा देगा, जिस ग्रुप बेंजीन का रिएक्टिविटी को इंक्रीज कराएगा वो होता है बेंजीन एक्टिवेटिंग, मतलब रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। और जो ग्रुप रिंग का, मतलब बेंजीन रिंग का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल डिक्रीज कराता है उसको हम बोलेंगे बेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। और कैसे पता चलेगा सर, क्या करता है? देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ये ऐसे अटैक नहीं कर रहा है, अरे कन्फ्यूज मत ना सर, इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ अटैक करेगा, नहीं नहीं यहाँ से जाके ये अटैक करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जा रहा है, इस एरो का मैंने इसीलिए ऐसे रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉबिंग स्पेसिस होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब बेंजीन रिंग में जितना ये रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, रिंग जितना रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, ठीक है। बेंजीन रिंग हमारा जितना रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कौन सा ग्रुप बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराता है, कौन सा ग्रुप बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कराता है, उससे पता चल जाएगा कौन सा ग्रुप हमारा एक्टिवेटिंग है, कौन सा ग्रुप हमारा डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। कैसे कैसे सर? देखो पहले लेते हैं प्लस एम ग्रुप। प्लस एम मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब अटैच होगा रिंग का, हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए इसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रिंग एक्टिविटी, ठीक है। हाँ जी सर। लो अब माइनस एम ग्रुप, ये क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। माइनस एम ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या है? ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे, मतलब बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करा देंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डिक्रीज हो जाएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल भी डिक्रीज हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? वो डीएक्टिवेटिंग इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। और बात आते हैं ऑर्थो क्यों होता है, ऑर्थो पैरा डिटेक्टिंग एंड मेटा डिटेक्टिंग। देखो जब प्लस एम ग्रुप रहता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन में इंक्रीज हो जाता है, इसलिए प्लस एम ग्रुप ऑर्थो पैरा डिटेक्टिंग रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे। ये मैंने पहले ही कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ ज़्यादा नहीं, मतलब ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जब प्लस एम ग्रुप यहाँ पर अटैच करोगे, जब उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, मान लो देखो सिर्फ एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कराऊंगा, ये है OH, ये क्या है हमारा प्लस एम ग्रुप, ठीक है। ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सो ऑर्थो ये क्या है? ऑर्थो पैरा पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करा है, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? जहाँ देखेगा कहाँ किस पोजिशन में, ऑर्थो में, मेटा में एंड पैरा में, तीन रूम वैकेंट है, लेकिन किसके पास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन? मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ऑर्थो एंड पैरा में इलेक्ट्रॉन भर भर के है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मेटा में तो कुछ नहीं है, मैं ऑर्थो पैरा में जाऊँगा, ठीक है। इसीलिए हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? ऑर्थो पैरा डिटेक्टिंग, समझ में आ गया, ठीक है। वो आएगा जो बेंजीन के पास, देखेगा तीन रूम है, ठीक है। आप आपको मान लो आप एक होटल में गए, आपको तीनों रूम दिखाया गया, ठीक है। जो भी सेम रेट है, जो भी मतलब जो भी रूम आपको पसंद है वो ले लो, ठीक है। आप देखोगे देखते आपको मिला, मान लो फर्स्ट रूम लग्जरी ऐसे है, थोड़ा हम वाईफाई वगैरह लगाए, ऐसी है हमारा, ठीक है, ये ले लेंगे, ठीक है, यही है। बाकी दोनों में ऐसे नहीं है, वाईफाई वगैरह नहीं है, तो आप जो रूम में ऐसे लगाए वहाँ पर चला जाओगे, ठीक है। यही बात है, वहाँ पर भी है, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन तीन रूम देखेगा, ऑर्थो पैरा एंड मेटा, ठीक है। आएगा, अरे ऑर्थो एंड पैरा में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मेटा में नहीं है, मेटा में मैं नहीं जाऊँगा, इसीलिए मैं ऑर्थो एंड पैरा में जाऊँगा, समझ में आ गया? हाँ जी सर। लेकिन माइनस एम के क्या होगा? जब माइनस एम ग्रुप लगेगा, देखो इस पोजिशन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो यहाँ पे मान लो NO2 ग्रुप लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ चला जाएगा, इस बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में अब क्या आ रहा है?
पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोडेंसिटी लॉ हो रहा है, ठीक है। अब भी आएगा हमारा कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो देखेगा फिर थ्री रूम है, थ्री रूम्स में ऑर्थो एंड पारा में इलेक्ट्रोडेंसिटी लेस है, मेटा में ज्यादा है, तो ये कहाँ जाएगा, मेटा में जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारा जो माइनस एम ग्रुप होता है, माइनस एम ग्रुप राइट, हाँ, जो माइनस एम ग्रुप होता है वो क्या करता है, ऑर्थो पारा सॉरी मेटा डिटेक्टिंग होता है, समझ में आ गया, हाँ जी सर। तो ये COOH ग्रुप क्या है, हमें पता है COOH ग्रुप क्या है, ये माइनस एम ग्रुप है, ठीक है। माइनस एम ग्रुप को पहचानोगे कैसे, मैंने बोला अगर कार्बन के साथ कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड के साथ डाटा जाए, सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ऐसा है, मतलब ये कार्बन के साथ नाइट्रोजन के साथ, ये कार्बन के साथ, कार्बन जनरली कार्बन आता है, ठीक है, कार्बन के साथ अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है विथ मल्टीपल बॉन्ड्स तो वो माइनस एम ग्रुप होगा, ठीक है। और जिसके पास लोन पे आ रहे वो तो हमारा क्या हो जाएगा, वो तो प्लस एम ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बात चल रहा है हमारा COOH ग्रुप का, COOH ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, COOH का एच स्ट्रक्चर होता है, तो COOH का मतलब कार्बन के साथ तो हमारा मल्टीपल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो इसीलिए ये माइनस एम ग्रुप है, ठीक है, माइनस एम ग्रुप बेंजीन डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डीएक्टिवेटिंग, समझ में आ गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होता है नाइट्रेशन, एक होता है ब्रोमिनेशन। नाइट्रेशन मतलब एनओ टू एड होगा, हमारा क्या है बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री एंड कॉन्सेंट्रेटेड एच एन एच टू एस ओ फोर गिव्स मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिन एफ बी आर थ्री, ये क्या होगा मेटा पोजिशन में अटैच होगा, ठीक है, ये ईजी है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, क्या होगा, क्या ये प्रोडक्ट आएगा, देखो आप बोलोगे नहीं भाई ये सी एच थ्री है मेटा डिरेक्टिंग, ये तो फिर का एल्काइलेशन जैसा हो रहा है, नहीं या फिर का एल्काइलेशन नहीं होगा, ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा, यहाँ पर सी एच थ्री ब्रोमिन, ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, ये एसिड है ना एल सी एल थ्री के साथ कंबाइन करके ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, ठीक है। कार्बोसिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फिल्डर का रिएक्शन बिकॉज द कार्बोसिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटलिस्ट गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोसिलिक ग्रुप, ठीक है। पहले तो सी एच थ्री बी आर, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, ऊपर से कार्बोसिलिक एसिड ग्रुप हमारा बेंजीन डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है, रिएक्टिविटी और डिक्रीज कर रहा है, एंड अगेन एल सी एल थ्री क्या कर रहा है, कार्बोसिलिक एसिड कार्बोसिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटेड एंड कैटलिस्ट एल सी एल थ्री गेट्स बॉन्डेड टू कार्बोसिलिक एसिड, मतलब कैटलिस्ट एल सी एल थ्री के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में रीअरेंजमेंट रिएक्शन के साथ, सो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।